हेलो स्टूडेंट, तो अपन आज बात करते हैं गुरु नीति 4 जेई के लिए एपिसोड 24 में। तो इसमें अपन बात करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। कुछ क्वेश्चंस इस एपिसोड में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस उसके नेक्स्ट एपिसोड में भी इनडेफिनिट की बात की जाएगी। तो माई सेल्फ विंकीस कुमार गुप्ता और मेरे साथ है देवेंद्र सर। चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया बेटा, तो आपको एक सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1+x का होल स्क्वायर। तो देखो जब दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो तो बेसिकली क्वेश्चन को करने का मेथड है बाई पार्ट्स, मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा समझो इसको। इसमें ये जो x है इसको अपन रीराइट कर सकते हैं 1+x-1 e की पावर x अपॉन 1+x का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट किसी को। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, 1+x से इसको सेपरेट डिवाइड करो बेटा, और 1 से क्या करोगे इसको सेपरेट डिवाइड। तो जब आप ये कार्यक्रम करोगे तो क्या आ गया, देखो इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस तो आ गया बेटा 1 अपॉन 1+x, और साथ ही साथ क्या करो e की पावर x से भी मल्टीप्लाई कर दे। तो क्या आ गया e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन सेकंड थिंकिंग 1 से करने पे आ गया e की पावर x अपॉन 1+x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आप मुझे दिख रहा होगा कि जब बेटा 1 अपॉन 1+x का डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, माइनस के 1 अपॉन 1+x का होल स्क्वायर। इसका मीनिंग इसको आप फर्स्ट लेट करो और इसको क्या करो सेकंड फंक्शन ले। तो जो फर्स्ट इंटीग्रेशन में अगर आप आईलेट यूज करोगे तो देन सेकंड इंटीग्रेशन आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो चलो उसमें यूज करते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो 1 अपॉन 1+x एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट इसका तो इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, और 1 अपॉन 1+x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1+x का होल स्क्वायर, और ये पार्ट है माइनस ऑफ e की पावर x अपॉन 1+x का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट तो इसे कैंसिल आउट, तो क्या आंसर आ गया e की पावर x अपॉन 1+x प्लस c। तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा फर्स्ट। ठीक है, चलो तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो सर क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है अपने को 1 cos θ / 1 cos θ, ऊपर वाली की पावर लेकिन क्या है 2/7, नीचे वाली है 9/7। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, पावर को सेग्रीगेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं ना, क्या हो जाएगा इसको लिख सकते हैं अपन 1 cos θ की पावर। मैं एक काम करता हूँ साथ ही साथ क्या करता हूँ, 1 cos θ, आपको पता होगा कि 1 cos θ क्या होता है 2 sin²θ/2, और 1 cos θ क्या होता है 1 cos θ, ये होता है 2 cos²θ/2। तो अपन एक काम करते हैं, अब छोटा सा काम करते हैं, इसको अपन अलग अलग कर लेते हैं, साथ में क्या हो गया 1 cos θ को ले दिया मैंने क्या 2 sin²θ/2 अपॉन इस पूरी पावर क्या है 2/7, और नीचे क्या हो जाएगा 2 cos²θ/2, इसकी पावर क्या है 9/7। चलो लिख लेते हैं एक बार, तो 2/7 और ये 9/7। अब इसको अलग कर लेते हैं, अब देखो 2/7 9/7, इसमें से मैं 2/7 + 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2/7 + 1 क्या जाएगा 9/7। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin²θ/2 अपॉन cos²θ/2 की पावर क्या 2/7, टू कैंसिल आउट हो गया, और लेकिन एक 2 बचेगा कौन सा वाला, जो हमने पावर 1 अलग की है, तो 1 अलग जो की है उसको मैं ऊपर ले जाऊं, cos का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा sec², तो मैं सीधे लिख सकता हूं क्या 1/2 sec²θ/2 d θ, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो sin/cos तो क्या बन गया अपना 10 बन गया, तो ये हो जाएगा tan²θ/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan²θ/2 की पावर कितना 2/7 इनटू क्या चल रहा है अपना साथ में sec²θ/2 1/2 को बाहर अपॉन में 2 है ना, तो वो बाहर ले लिया मैंने, ठीक है इनटू d θ। अब tan θ/2 को अपन क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं t। तो tan θ/2 को यदि मैं t पुट कर देता हूं तो मेरे को पता है कि tan θ का इंटीग्रेशन होता है sec²θ, तो ये हो जाएगा sec²θ/2 इनटू 1/2 इनटू d θ इक्वल्स टू dt। तो ध्यान से देखो, तो 1/2 ये रहा sec²θ/2 ये रहा d θ, तो क्या बन गया ये पूरा का पूरा dt। तो t की पावर क्या हो जाएगी 2/7, तो t स्क्वायर की पावर क्या होगी 2/7, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर की पावर 2/7, यानी कि t की पावर 4/7, बाकी सब क्या बन गया dt।
तो कुल मिला के आ गया आपका आंसर टी की पावर प्लस वन करोगे तो 11/7 / 7/11 मतलब दिस इज 7/11 और टी की वैल्यू पुट करोगे 10 square theta by 10 theta by 2 की पावर 11/7 तो देन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन बच्चों सही होगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या करना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें आप बेटा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो। तो जब आप टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आगे देखो इंटीग्रेशन 1 - tan x / 1 tan x बिल्कुल। और रिमेनिंग पार्ट देखो इस cos स्क्वायर x को न्यूमेरेटर में लाओगे तो क्या आ गया sec x dx अपॉन रूट का पार्ट एज इट इज, ठीक है। इसको अगेन रीराइट कर देना। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि cos स्क्वायर को न्यूमेरेटर में भेजा तो sec स्क्वायर x आ गया और रिमेनिंग पार्ट आपका tan x की फॉर्म में है। और आपको पता होगा कि जब tan x को टिलेट करोगे तो sec स्क्वायर x dx तो dt में चला जाएगा, तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन बेटा t की फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन को। तो चलो उसमें अपन पुट कर देते हैं पुट tan x इक्वल टू t। तो जब tan x को t पुट करोगे आप तो देखो क्वेश्चन क्या आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस t और बेटा sec स्क्वायर x dx कहां चला जाएगा dt में, तो dt आ गया अपॉन दिस इज 1 + t और जो रूट का पार्ट था वो कितना था उसको देख लेते हैं आप एक बार अब इधर से आप t स्क्वायर कॉमन लोगे और इधर से भी क्या लोगे t स्क्वायर कॉमन। तो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से जब आप t स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखो क्या गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इधर से आपने t स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या गया 1/t² - होते काम करो माइनस t स्क्वायर कॉमन ले पर 1 - 1/t² dt। अभी आप देखना इसको ध्यान से अपॉन एक t तो कॉमन लो आप इस ब्रैकेट से और एक t स्क्वायर कॉमन लो आप अंडर रूट के अंदर से। तो जब इससे कॉमन लोगे तो दिस पार्ट आ गया और बेटा जब अंदर से कॉमन लोगे t स्क्वायर तो क्या आ गया t प्लस 1 प्लस 1 / t मतलब दिस इज t प्लस 1/t + 1 और दोनों t स्क्वायर क्या होंगे इससे कैंसिल आउट। तो आपका क्वेश्चन रह गया रिमेनिंग पार्ट। अब आप इधर देखो जब आप t प्लस 1/t को यूटिलेट करोगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन इसमें मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन इस रूट वाले पार्ट को t प्लस 1/t प्लस 1 को डायरेक्ट बेटा p स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। p स्क्वायर क्योंकि उससे रूट भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/t का माइनस के 1/t² dt इक्वल टू आ गया 2 of p dp। ये सुनो ये आने के बाद जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आ गया i इक्वल टू चलो इस माइनस साइन को तो बाहर ले लेते हैं माइनस ये तो कैंसिल है t स्क्वायर तो यह क्या गया 2p dp अपॉन p स्क्वायर का रूट p आ गया और ये आ गया p स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि 2 को लेंगे ना प्लस 1 प्लस 1 प्लस इसलिए p स्क्वायर प्लस 1। ये देखो 2p से p कैंसिल तो क्या आ गया i इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 2 बार और 1/1 + p² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स p प्लस और p की वैल्यू पुट करोगे रूट ऑफ दिस पार्ट तो रूट ऑफ t प्लस 1/t + 1 + c और t का की वैल्यू क्या है tan x तो क्या आ गया माइनस 2 tan इनवर्स tan x + cot x + 1। तो चलो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा माइनस 2 tan इनवर्स तो इसका बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना।
क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहा है ये? इसको इंटीग्रेट करना, इसको इंटीग्रेट करना है अपने फंक्शन को, है ना। तो जब भी ऐसा फंक्शन आए जो कॉम्प्लिकेट लग रहा है देखने में, है ना, तो आप क्या करो उसमें से ये चेक करो कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं है। तो मैंने क्या देखा कि इसमें ये डेरिवेटिव बन सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर आ रही है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर कम हो जाएगी, तो ये इसका डेरिवेटिव बन सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? इसमें से आप क्या करो, एक्स कॉमन ले लो और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर। तो क्या हो जाएगा, देखो सीधे लिख देता हूँ मैं ना, आई इक्वल्स टू, मान के इसको सीधे लिख देता हूँ, एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगी, एक पावर कम हो गई, x टू पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस x, और यहाँ आएगा रूट के अंदर आएगा डायरेक्ट आपका 2x की पावर 6। x कॉमन लिया तो x मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर, है ना। तो क्या मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो ये पावर हो गई 6, ये पावर हो गई 4 और ये पावर हो गई 2। यस सर। अब ये है अपना dx। अब अंदर वाले पार्ट को सीधा t स्क्वायर ऐड करो आप। अब इसको t ऐड कर लेते हैं, t स्क्वायर कर लेते हैं सीधे, इसको ऐड कर लेते हैं अपन t स्क्वायर। तो इसको t स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आ गया आपका 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर को मैंने रखा t स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 12 into x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, x या 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा x क्यूब टू द पावर 3 प्लस यहां था ये अपना 6, तो ये 12 बाहर चला गया, x बचेगा इनटू dx इक्वल टू हो गया 2t dt। फिर इसके बाद करोगे तो i इक्वल्स टू, तो देखो क्या गया, इसकी वैल्यू तो पुट करोगे आप t by 6 dt, तो 1 by 6 t dt, और बेटा इस रूट की वैल्यू पुट करोगे t पर, तो ये भी क्या गया t, तो ये t स्क्वायर बन गया, तो देन 1 upon 18 t cube by 3, और t की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 2x की पावर 6, तो ये आ गया इक्वल टू 1 by 18 ब्रैकेट में 3x की पावर 4 प्लस की पावर 3 by 8, ठीक है, प्लस c, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपन को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो वही मेथड है कि जब भी क्वेश्चन में साइन कॉस हो तो क्या करो उसको tan और sec में चेंज करो। तो देखो tan और sec में लाने के लिए क्या करोगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4x dx अपॉन, इसको tan में लाने के लिए क्या करो, इस ब्रैकेट के अंदर से बेटा cos की पावर 5x कॉमन लो, तो cos की पावर 5x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में तो आ गया 1 प्लस tan की पावर 5x की होल पावर 3 अपॉन 5, और cos की पावर 5x बाहर आके क्या बनेगा, cos 2x, क्योंकि 5 कैंसिल आउट, तो क्या रह गया sin cube into cos cube cos cube, ठीक है। ये आने के बाद देखो अगेन इसको अपन को tan में लाना है, तो c cube से डिवाइड करो और c cube से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो बन गया tan cube। तो क्वेश्चन आ गया आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ब्लैक बोर्ड पे t की पावर 3 का मतलब, चलो पूरा लिख देते हैं समझने के लिए, tan qx अपॉन 1 प्लस tan की पावर 5x की होल पावर 3 अपॉन 5, ये cos की पावर 6 है तो पावर 4 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में आ गया sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, यस। और इतना आने के बाद सिंपल है, आप tan x को बेटा इसमें पुट कर दो t, तो tan x को t पुट करोगे तो sec स्क्वायर x dx चला गया dt में, तो ये आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t क्यूब इनटू 1 प्लस t की पावर 5 की होल पावर। तो अब देखो इसके बाद क्या करना है अपन को, ये आने के बाद देखो इसको इसमें अगेन अपन को सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, तो क्या करो इस ब्रैकेट के अंदर से आप अगेन t की पावर 5 कॉमन लो, तो जब आप इसमें t की पावर 5 कॉमन लोगे तो ये आ गया dt अपॉन t की पावर 6 और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस t की पावर -5 की होल पावर 5। अब आप इधर देखो जब इसको अगेन t की पावर 5 ऐड करोगे तो 1 अपॉन t की पावर 6 का क्या बैठा हुआ डिफरेंशिएशन, तो चलो इसको अपन अगेन ट्राई करते हैं। तो इसमें पुट करोगे पुट 1 प्लस
टी की पावर माइनस फाइव इक्वल टू पी की पावर फाइव, तो क्या जाएगा इसका डेफिनेशन, माइनस फाइव अपॉन सिक्स टी की पावर सिक्स डी टी इक्वल टू फाइव पी की पावर फोर ऑफ डी पी। तो जब इस वैल्यू को जब आप इस इंटीग्रेशन में पुट करोगे तो क्या गया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फाइव से फाइव कैंसिल, तो देखो बेटा डी टी अपॉन टी की पावर सिक्स क्या होगा, माइनस पी की पावर फोर डी पी, तो माइनस पी की पावर फोर डी पी अपॉन पी क्यूब, पी क्यूब कट गया कैंसिल आउट हो जाएगा, पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल, तो क्या रहेगा पी डी पी, और पी का इंटीग्रेशन पी स्क्वायर, माइनस के वन बाई टू पी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी। तो चलो अपन इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा माइनस के हाफ, आपको पी की वैल्यू पुट करनी है, दिस की पावर वन अपॉन फाइव, तो ये आ गया वन प्लस वन अपॉन टी की पावर फाइव की पावर टू, टू अपॉन फाइव, ठीक है। और अगेन टी का मीनिंग क्या है, टेन एक्स, तो न्यूमेरेटर में जाएगा कॉट की पावर फाइव एक्स, तो ये आ गया इक्वल टू माइनस के हाफ वन प्लस कोट की पावर 5x की पावर 2 अपॉन 5। तो चलो देखते हैं इसका ऑप्शन मैच करेगा क्या, माइनस के 1 बाई 2 1 प्लस कोट x कोट की पावर 5x की पावर 2 अपॉन 5, तो देन इसका बेटा सेकंड ऑप्शन सही करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं अपन इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन के लिए बेटा अपन यूज करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब आप ऐसा कुछ करो कि डिनोमिनेटर को टी माने पे न्यूमिनेटर वाला पार्ट कहां चला जाना चाहिए, डीटी के अंदर। तो सबसे पहले क्या करो, आप डिनोमिनेटर से एक्स की पावर टू क्यू लो कॉमन, तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन पी एक्स की पावर पी प्लस टू क्यू माइनस वन माइनस क्यू एक्स की पावर क्यू माइनस वन अपॉन, इसमें जब आप डिनोमिनेटर में एक्स की पावर टू पी क्यू सॉरी टू क्यू 2q कॉमन लोगे तो आ गया x की पावर 2p प्लस 2x की पावर p माइनस q प्लस x की पावर माइनस k 2q। ये कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट ds तो लगाई देना मल्टीप्लाई में, ये करने के बाद क्या करना है, आप x की पावर 2q को न्यूमरेटर की दोनों टर्म से क्या करो सेपरेट डिवाइड, तो दिस अपॉन दिस करोगे तो इसमें तो x की पावर 2q कैंसिल आउट, और इसके साथ डिवाइड करोगे तो माइनस टू क्यू न्यूमेटर में आके क्या देगा माइनस क्यू माइनस वन, तो देन ही क्वेश्चन आ गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स की पावर पी माइनस वन माइनस क्यू एक्स की पावर माइनस क्यू माइनस वन अपॉन, अभी जो ब्रैकेट वाला पार्ट है तो उसको आप ढंग से देखोगे तो बेटा ये ए माइनस ए प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब एक्स की पावर पी प्लस x की पावर माइनस टू की स्क्वायर का फॉर्मूला, जब उसको ओपन करके देखो आपको दिख जाएगा, पर अगर ये लिख दिया तो इसके बाद देखो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो न्यूमेरेटर में इसका क्या रहा है डिफरेंशिएशन, तो क्या करोगे इसको आप t कंसीडर करो, तो जब t कंसीडर करके इसका dy / dx करोगे तो क्या आने वाला है दिस dx इक्वल टू dt, मतलब ये न्यूमेरेटर वाला पार्ट चला जाएगा dt में, तो क्या रहेगा क्वेश्चन dt / t स्क्वायर, तो ये आ गया क्वेश्चन i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt upon t square, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के वन अपॉन t, और t की वैल्यू क्या पुट करोगे x की पावर p प्लस x की पावर माइनस के q, चाहो तो इसको वन अपॉन x q लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देन इसका बेटा थर्ड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट करना है अपने को 1 upon 1 minus cos x minus sin x को with respect to x, तो क्या करेंगे देखो half angle formula use कर लेते हैं अपन, अपने को पता है 1 minus cos x क्या होता है 2 sin square x by 2, तो इसको लिख दिया मैंने 2 sin square x by 2 minus sin x का क्या हो जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2, तो 2 sin x by 2 cos x by 2 dx। अब अपन क्या करें common ले लें नीचे से, तो मैं common क्या लूंगा 2 sin square x by 2, तो जैसे ही मैं 2 sin square x by 2 लूंगा कॉमन तो अंदर बचेगा 1 minus, देखो एक sin तो पहले से है, एक sin और कॉमन ले लें तो cot बन जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा cot x by 2 dx। अब sin square ऊपर जाके क्या हो जाएगा cosec square, half को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा cosec square x by 2 dx upon 1 minus cot x by 2। अब 1 minus cot x by 2, अब cot का डेरिवेटिव क्या होता है अपना cosec square,
तो क्या हो जाएगा अपन cot x y को इसको इंटीग्रेट करो, पूरे को t रख दिया तो t रखते ही क्या हो जाएगा प्लस sec स्क्वायर x y को sec स्क्वायर x y x by 2 into 1 by 2 आएगा, उसको वहां ले चलते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा ये 2dt, तो ये हो गया 2dt। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं इसको, अपन सिंपली अपन लिख सकते हैं इक्वल्स टू हाफ 2dt अपॉन t, 2dt अपॉन t को कैंसिल आउट, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और t 1 अपॉन t का क्या होता है log t, तो इसका आंसर आ गया log of t, और t क्या है अपना 1 cot x / 2, तो 1 cot x / 2, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करना अपन को, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, देखो इसमें क्या करना चाहिए, हाँ ये देखो, ये जो थोड़ा समझना इस बात को ढंग से, जो अंदर वाला पार्ट है इसकी पावर 1/6 है और इसकी पावर 1/3, तो अपन एक काम करते हैं दोनों की पावर एक बार सेम लाने की ट्राई करते हैं, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा इसको सिंपलीफाई करना, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, इसको लिख दो i इक्वल टू, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो आप, x प्लस अंडर रूट 2 माइनस x स्क्वायर, या फिर एक काम करो उसको बार बार लिखना पड़ेगा, अपन एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, ये जो अंदर वाला पार्ट है बेटा इसको तो अल्फा लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और इस वाले पार्ट को बीटा डिलीट कर लेते हैं, बस माइनस का डिफरेंस है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया i इक्वल टू, ओनली सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो चलो सिंप्लीफाई कर देते, तो आ गया अल्फा की पावर 1/3 इनटू बीटा की पावर 1/6, डिनोमिनेटर की बात बाद में करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर की पावर 1/6 इनटू बीटा की पावर 1/6, पावर अगर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 1/6। अब देखो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने की ट्राई करते हैं अपन, तो सबसे पहले ये जो अंदर वाला पार्ट क्या अल्फा, तो इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आने वाला, देखो इसकी स्क्वायरिंग अपन सेपरेट कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग करने पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a इन सॉरी प्लस 2 a * b मतलब 2 माइनस x, ये आ गया ना, हां ये आ गया इसका स्क्वायर करने पे, तो ये तो इससे कैंसिल आउट, तो फाइनली अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली 2 माइनस सॉरी 2 प्लस 2x रूट ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर, ये तो आ गया अल्फा स्क्वायर, और आप बीटा स्क्वायर की सॉरी बीटा की भी वैल्यू पुट करो क्या आएगा 1 माइनस x रूट 2 माइनस x स्क्वायर, बोलो आया ना, अभी सिंपलीफाई कर रहे, देखो ब्लैक बोर्ड पे ढंग से पावर 1/6 तो लिखनी लिखनी है अपन को, तो थोड़ा ढंग से देखो, आप जब इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लोगे तो इधर आएगा 2 और 2 को बाहर लोगे तो क्या आएगा 2 की पावर 1/6, तो बेटा इसमें 2 की पावर 1/6 आप कॉमन लोगे तो क्या रहेगा, देखो जब आप 2 की पावर 1/6 कॉमन लोगे तो क्या आ गया 1 प्लस x रूट दिस पार्ट, ये दोनों सेम चीज ध्यान रखना, और ये क्या होगा 1 माइनस x रूट ऑफ दिस पार्ट की होल पावर 1/6, मतलब ये बन गया a प्लस b इनटू a माइनस b, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का मीनिंग तो क्या है 1 माइनस a स्क्वायर का मीनिंग x स्क्वायर इनटू 2 माइनस x स्क्वायर की होल पावर 1/6, तो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा ढंग से देखना, अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा है 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 की पावर 1/6, तो बेटा इसको ढंग से देखो ये क्या चीज है, ये 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, क्या बोलो ये बेटा 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर है और की पावर 1/6, तो दिस इज 1/3, मतलब ये आ गया 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 1/3, और साथ में ये तो लिखना ही लिखना है 2 की पावर 1/6, मतलब फाइनली जब आप बात करोगे तो ये जो न्यूमेरेटर का कंप्लीट पार्ट है, इस न्यूमेरेटर के कंप्लीट पार्ट की जो वैल्यू है, इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे, इस न्यूमेरेटर के जो कंप्लीट पार्ट की वैल्यू क्या मिली 2 की पावर 1/6 * 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 1/3, तो देखो ये वाला पार्ट इसे कैंसिल आउट, ओनली क्वेश्चन आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 की पावर 1/6 * dx, तो ये तो कांस्टेंट है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/x + c, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। चलो अपन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है अपने से, इंटीग्रेशन करना है x / 1 + x की पावर 4 का,
तो सबसे पहले अपन क्या करें, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ क्या ऊपर क्या लीनियर है और नीचे क्या बाई क्वाड्रेटिक है, तो अपन क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को यदि मैं टी पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव मिल जाएगा ऊपर। तो मैंने क्या किया, पुट कर दिया है ना, पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और मैं लिख सकता हूँ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हाफ डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी टी। अब इसको पुट कर देते हैं अपने यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रल बन गया, आई मान लेते हैं इसको अपन, तो इंटीग्रल बन गया अपना क्या, एक्स डी एक्स की जगह क्या जाएगा हाफ डी टी, और नीचे मैं बात करूँ वन प्लस एक्स की पावर फोर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर। तो क्या आ गया आप मेरे सामने आ गया हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन क्या पढ़ते हैं टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टी। तो इसको अपन कह सकते हैं कि आंसर आ गया अपना टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फोर सही हो गया। अगला क्वेश्चन, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या है, cos 2x dx upon cos x plus sin x का होल स्क्वायर। तो देखो अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के दो तीन मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो क्या है कि आप इसकी स्क्वायरिंग ओपन कर दो, चलो देखो एक बार देखते हैं, स्क्वायरिंग ओपन करोगे तो क्या जाएगा cos 2x dx upon sin square x plus cos square x बना गया प्लस 2 sin x cos x is sin 2x। और अगर आपको दिख रहा हो तो देखो जैसे ही आप इसको t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया कि 1 plus sin 2x को जब आप t पुट करोगे बेटा तो 1 का तो 0 ये आ जाएगा 2 cos 2x dx equal to, तो 2 भी आने वाला है तो उसको अपॉन में ले आते सीधा सीधा आ गया dt upon 2। ठीक है, तो देन क्वेश्चन आ गया 1 by 2, इसकी वैल्यू तो क्या 1 by 2 upon 1 by t dt, तो देन इसका आंसर जाएगा 1 by 2 ln of t, और t की वैल्यू पुट करोगे 1 plus sin 2x। ये लिखने के बाद अब इसको अगेन सिंपलीफाई करना है क्योंकि जो ऑप्शन गिवन है वो पाई बाई फोर की फॉर्मेट में गिवन है। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो जब इसको अगेन आप लिखोगे एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर तो लॉग में आ गया, आके टू कैंसिल आउट, तो क्या आ गया बोलो अगेन 1/2 ln ऑफ एक्स प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है साइन प्लस कोस। अब देखो ये ऑप्शन जो गिवन है इसमें पाई बाई फोर का होल है, तो इसका एक ही ऑप्शन है, आप इस लॉग के अंदर क्या करो 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलो अपन इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने की, हाँ ये टू तो कैंसिल आउट हो गया इसमें, तो जब आप इसको सिंपलीफाई करने की ट्राई करोगे तो देखो इसको जरा देखते हैं, इसको लिखेंगे अपन I इक्वल टू ln ऑफ √2, तो लो न्यूमेटर में, और जब √2 से डिवाइड करोगे आप तो क्या आ गए cos 1/√2 s plus 1/√2 c, और लास्ट में कॉन्स्टेंट, ये तो लिखने लिखना है। ये करने के बाद अब देखो अभी भी इसके टू ऑप्शन है अपने पास, ln ऑफ √2, इसको अगर आप साइन पाई बाई फोर लिखते हो उसको कॉस पाई बाई फोर, तो फिर तो फॉर्मूला बनेगा ये कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स का प्लस सी, और बाई चांस अगर आप बात करते हो उसको साइन में बनाने की तो क्या बनेगा बोलो √2 साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स। दो ऑप्शन मेरे पास हो सकते हैं। अब इस रूट टू से डरने की जरूरत नहीं है, इसमें लिख दो लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको अपन दोबारा फर्दर सोल्व कर देते हैं तो क्या जाएगा ln cos पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस जो लॉग रूट टू है वो कॉन्स्टेंट है तो उसको अगेन सी में आप एड करोगे सी होगा, और यही कार्यक्रम इसमें करोगे तो क्या आंसर जाएगा ln sin पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस अगेन न्यू कॉन्स्टेंट इज सी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके दो ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अपन चलो मैच करते हैं ऑप्शंस में। हाँ, तो देखो एक ऑप्शन तो फोर दिख ही रहा है अपन को ln cos x माइनस पाई फोर, क्योंकि cos के अंदर माइनस प्लस कुछ भी लोगो नो प्रॉब्लम, और अगर साइन की बात करोगे तो हाँ साइन में जब आंसर करेक्ट होगा जब इस 1/2 को रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका ओनली बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन इसको रेड क्वेश्चन में ले लें, क्वेश्चन 11 में देखो क्या कह रहा है अपने से। सबसे अपने को गिवन है log x plus 1 minus log x upon में x into x plus 1 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। क्या करोगे सबसे पहले, साफ दिख रहा है कि log a minus log b की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो यूज कर लेते हैं प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा ये ln of a upon b आ जाएगा, तो x plus 1 upon x में लिख सकता हूं इसको, नीचे आ जाएगा x into x plus 1 dx। अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है क्या,
कि x plus 1 upon x को मैं यदि इस पूरे को क्या रख दूं t रख दूं, तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है x into x plus 1, तो इसका डेरिवेटिव आ सकता है। तो अपन क्या करते हैं, पुट कर देते हैं log of x plus 1 upon x को t, देखते हैं क्या आता है डेरिवेटिव, 1 upon x plus 1 और नीचे x आएगा वो चला गया ऊपर, तो into x में ऊपर कर देता हूं into dx। इसका अंदर वाले का करेंगे, सॉरी चेन रूल से अंदर वाले के करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला अपॉन में क्या हो जाएगा x का स्क्वायर इनटू dx इक्वल्स टू dt। ये आ गया अपने पास, सिंपलीफाई करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो गया, यहां देखो x से x कैंसिल आउट होगा और माइनस का 1 बचेगा, तो ये बन गया कुल मिला के माइनस का 1 अपॉन x 1 प्लस x और यू कैन से x प्लस 1 x dx इक्वल्स टू dt। तो ये मैं साफ देख पा रहा हूँ क्या, कि जो मैंने सोचा था क्या कि ये डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, तो ये इसका क्या है डेरिवेटिव है लॉग का, तो क्या बन जाएगा ये कुल मिलाकर, ये बन गया माइनस ऑफ डी टी, माइनस ऑफ डी टी और इसकी जगह हमने रखा था टी, तो टी डी टी आ गया, और टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी का, टी स्क्वायर बाई टू, सो हम कह सकते हैं बड़े प्यार से माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाई टू प्लस प्लस सी, तो ये आ गया टी, टी हमने पुट किया था लॉग ऑफ दिस, तो कंप्लीट होल स्क्वायर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। तो इसका ऑप्शन आ रहा है मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है माइनस हाफ आ रहा है, ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 क्वेश्चन में क्या करना है, अभी पैटर्न है इसको याद करना है कि जब भी इस पैटर्न में क्वेश्चन हो dx upon x की पावर n 1 प्लस अगेन x m की पावर b upon q, कोई भी फॉर्मेट हो ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं अंदर x की हाईएस्ट पावर क्या लेते हैं कॉमन लेने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें ये अपॉन में 4 है और इधर भी x की पावर 4 है, तो आप जब x की पावर 4 कॉमन लोगे तो बाहर क्या कॉमन आने वाला है x की पावर 3, x की पावर 3, क्योंकि x की पावर 4 को बाहर लोगे तो क्या आएगा x की पावर 3, तो ये आ गया i इक्वल टू, ये पैटर्न फिक्सेस को याद रखें, तो जब कॉमन लोगे तो क्या आ गया x की पावर 5 ठीक है, x क्यूब तो x स्क्वायर के साथ ऐड होके x आएगा, और ये आ गया 1 प्लस x की पावर माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 4, और अगर इतना समझ में आ गया तो देखो जैसे ही आप इसको t लेट करोगे बेटा तो dx अपॉन x की पावर 5 इसका क्या है डेरिवेटिव है। तो चलो अपन क्या करते हैं कि पुट कर दो उसमें 1 प्लस x की पावर माइनस 5 को t की पावर 4 लेट करो ताकि 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा 1 का 0 इसका माइनस 4 x की पावर माइनस 5 dx इक्वल टू 4 t की पावर 3 ऑफ dt, यस सर 4 से 4 कैंसिल आउट, तो देन ही आ गया dx अपॉन x की पावर 5 माइनस को राइट में शिफ्ट करो तो माइनस ऑफ t क्यूब इनटू dt। ये आने के बाद अब अपन एक काम करते हैं इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देन वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर बेटा तो देखो क्या आ गया I equal to integration of ये जो पार्ट है ये तो चला गया आपका tq माइनस tq में, तो माइनस tq dt dt अपॉन जब आप इसको t की पावर 4 पुट करोगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, ये भी आपका tq आ गया, tq से tq कैंसिल आउट, दो n क्वेश्चन आ गया माइनस dt, तो माइनस dt का इंटीग्रेशन माइनस t plus c plus c, और बेटा t की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 10 इस पार्ट की पावर 1/4, तो ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की पावर 1/4, चाहो तो आप x की पावर 4 एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ गया माइनस x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 1/4 अपॉन x x और प्लस c को लिखने लिखना लास्ट में, तो चलो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन मैच करने वाला है, ऑप्शन नंबर इसका ओके सही ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन हां यस सर, चलो क्वेश्चन आई भी वैसे काफी जेई मेंस में इस टाइप का, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 13, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 में देखो क्या कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 10x * 10^2x dx, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो 10^2x को चेंज कर लेते हैं, तो 10^2x को लिख लेते हैं अपन 2 10x * 10x अपॉन में 1 माइनस 10^2x dx। अब एक काम करते हैं मल्टीप्लाई हो गया ना, तो क्या हो गया 2 10^2x, तो ये हो जाएगा 2 10^2 अपॉन में 1 माइनस 10^2, इसको मैंने साइन कॉस में चेंज कर लिया है ना, तो साइन कॉस में चेंज करते ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, यहाँ होगा यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, एलसीएम ले लेना
चलो लिख लेते हैं इसको अपन आराम से, sin square upon cos square, और यहां आ जाएगा 1 minus again sin square upon cos square cos square dx। एक बार और लिख लेते हैं इसको, सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो cos square से cos square कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेते ही, और ये बनेगा अपना 2s square upon sin square upon में c square minus s square, हां cos square sin square dx। ये आ गया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, 2s square को लिख दो 1 minus cos 2x। अब देखो sin square x है तो हाफ एंगल फॉर्मूला जो था वो क्या था, 1 minus cos 2x हो जाएगा ये, हां अपॉन ये अपॉन में नीचे हो गया cos 2x। अब इसको अपन क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं अलग-अलग, तो ये तो हो जाएगा sec 2x minus 1 minus 1 dx। अब इसका डायरेक्ट अब अपन क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, sec का इंटीग्रेशन क्या होता है अपना log होते हैं ना, log ऑफ sec x plus tan x, और एक होता है log ऑफ tan pi by 4 plus x हो जाएगा, क्योंकि x अब देखो 2x x by 2 होता है, x by 2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो गया ये। अच्छा यहां पर minus 1 का क्या हो जाएगा, minus x, plus में क्या आ जाएगा c, और ये 1 by 2 लगाना है क्योंकि कोफिशिएंट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं अपन, तो क्या आएगा 1 by 2, इससे सिंपल हो गया, तो कुल मिला के आ गया 1 upon 2 ln tan tan pi by 4 plus x minus x minus x plus c। Yes, तो ये ऑप्शन इसमें से आ रहा है अपना 1 by 2 ln 10 pi by 4 plus x, second option, second minus x plus c, ठीक है ना बेटा, second option correct, minus x। चलो उसके बाद next question देखते हैं अपन, question number देखो 14 तो simple question है, शायद कुछ नहीं करना है इसमें आपको, इस denominator में से आप क्या करो root x common लो, तो जैसे ही आप इसमें से x common लो, जैसे ही आप इसमें से x common लोगे तो बाहर क्या आएगा root x, ये लो, और ब्रैकेट में आ गया बेटा 1 प्लस रूट एक्स, और अगर आपको ये दिख रहा हो तो देखो जैसे ही आप इसको टीम स्क्वायर लेट करोगे तो dx डेरिवेटिव का क्या डेरिवेटिव, तो क्या करना है पुट कर दो उसमें से डायरेक्ट क्या 1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स को सीधा t स्क्वायर लेट करें आप, तो 1 का तो 0 और इसका 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, dx इक्वल टू 2dt 2t dt, यस सर, तो देन dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, तो आप dx upon root x की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा 4dt 4t dt dt और अपॉन में t आ जाएगा, t स्क्वायर का रूट t, तो t से t कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 4t plus c t plus c, और बेटा जब आप t की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा root 1 plus root x, तो क्या आंसर आ गया 4 root, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन। चलो उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 x sin inverse x dx equals to ओके, तो अपने को साफ दिख रहा है ना sin inverse function आ गया है ना, तो अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन भाई, जब भी inverse function हो तो ILED से करोगे, ILED फर्स्ट सेकंड लेट करके, हां तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं अपन सेकंड फंक्शन, यस सर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ, यही कर लेते हैं तो अपन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सीधे ले दो सर आंसर, फर्स्ट फंक्शन नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव, सीधे कर देते हैं मैं, तो फर्स्ट फंक्शन इसको मान लिया, इसको मान लिया सेकंड, तो क्या होता है अपना u into v रूल, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है अपना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x square by 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट कौन है अपना इनवर्स फंक्शन है, तो उसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x square इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x स्क्वायर बाय 2 dx, यस। अब आगे चलते हैं, तो ये हो गया sin इनवर्स x, इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं x स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब आप देखो ध्यान से तो 1 बाय 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये x स्क्वायर तो माइनस साइन को मैं अंदर लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x स्क्वायर, और नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx, तो मैंने क्या कर दिया इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है, तो सही है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अब क्या करना है सेपरेट डिवाइड सेपरेट कर लेंगे अपन, यस सर, तो sin इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, हां इसको कर लेते हैं 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, हां यस सर, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx, दिख जाएगा बच्चों को, अब देखो अब आप से इस ये क्या है 1 माइनस x स्क्वायर और ये क्या है 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ऐसे तो डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ अलग अलग लिख ही लेते हैं अपन, कर लेते हैं इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा पूरा लिख लेते हैं। ये आ गया माइनस के वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है सर। ये तो सीधा आ गया माइनस के हाफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। और इसका सीधा फॉर्मूला आपको याद होगा, उसको अप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। तो साइन इनवर्स एक्स तो अपन कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट और थर्ड में, तो जैसे ही आप साइन इनवर्स एक्स कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में तो आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सॉरी माइनस हाफ, माइनस के हाफ एंड ये क्या था प्लस वन बाई टू। और बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या था बोलो, एक्स बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू मतलब वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स एक्स। यस सर, अब थोड़ा आगे फर्दर सॉल्व करना तो आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। चलो क्योंकि साइन इनवर्स एक्स दो बार आएगा, एक बार अगेन कॉमन लेना आपको तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिखाना सर 16। हाँ क्वेश्चन देखो 16 में क्या करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ देखो उसमें कैसे करना है क्वेश्चन को, ये अलग ही पैटर्न है और ये जिसको थोड़ा आइडिया होगा वही कर सकता है, अदरवाइज सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या करो, पहले अपन इसको सेपरेट इसको लगा देते, तो आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा केयरफुली देखना इसको करने का मेथड क्या है। इसमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट और सेकंड यूज करना है, मतलब इसमें आईलेट को यूज करना है, बट सेकंड फंक्शन ऐसा लेट करोगे जिसका अपन को क्या पता हो इंटीग्रेशन। तो देखो इसमें क्या करना है, ये जो अंदर वाला पार्ट है एक बार इसका ये देखो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। एक काम करते हैं इसको अपन रफ में टी लेट करके देखते हैं कि इसको अगर आप टी लेट करोगे तो क्या आने वाला है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स कोस एक्स फर्स्ट इनटू सेकंड से प्लस साइन एक्स का करोगे तो साइन एक्स माइनस साइन डी एक्स इक्वल टू डी टी। अरे हाँ है ना, ये ओनली रफ में किया गया, मतलब ये आ गया एक्स कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। मतलब इसको अगर आप टी लेट करते हो तो न्यूमेटर में x cos x आना मस्ट है, तो क्या करो cos x इसको cos x से करो मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जब इसको cos x से बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आ गया, इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिखो इसको x cos x dx अपॉन x sin x plus cos x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। और आपने क्या किया, एक एक्स तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया और ये क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपॉन आ गया बेटा कोस एक्स। तो अब आप देख पा रहे होंगे शायद इसको तो लेट करो फर्स्ट फंक्शन और इसको लेट करो सेकंड फंक्शन। अब आप ये लेट करोगे तो देखो क्या करना है, अब सीधा लगा जाएगा डायरेक्ट। तो सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं अपन इंटीग्रेशन, मतलब जब आप इसको टी लेट करोगे तो क्या आ गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के वन अपॉन टी, मतलब माइनस के वन अपॉन x sin x plus cos x। तो एक काम करते हैं इसको अपन एक बार मैं लिख के दिखा देता हूं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो सीधा माइनस के 1 अपॉन x sin x x sin x plus cos x। ये आप अलग से i1 लेट करके कर सकते हो कि इसको t लेट करोगे तो dt अपॉन t स्क्वायर, तो माइनस के 1 अपॉन t, t इज दिस पार्ट। तो इसका सेकंड का इंटीग्रेशन अपन को ये डायरेक्ट यूज करना है। इतना आने के बाद अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं उधर से, तो चलो अपन रिमेनिंग पार्ट में आईलेट यूज करते हैं। तो जब रिमेनिंग पार्ट में आईलेट यूज करोगे तो देखो क्या आएगा क्वेश्चन, आई इक्वल टू क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एक्स कोस एक्स एज इट इज इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पुट कर दो, तो क्या था माइनस के वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यस सर, फिर माइनस इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, सेकंड का तो अगेन इंटीग्रेशन था, तो सेकंड का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा ये बात, तो माइनस माइनस तो क्या आ गया प्लस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। और फर्स्ट फंक्शन का करना अपन को डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे एन अपॉन डी से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो उसका क्या मेथड है देखो, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमीटर का हो गया x का वन माइनस न्यूमीटर एज इट इज कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो प्लस के साइन एक्स आ गया बच्चों। और अपॉन में क्या लिखोगे डिनोमीटर का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर एक्स, और dx तो लिखने लिखना है cancel. तो अगर आपको दिख रहा होगा देखो tan x, ये जो पार्ट है वो पार्ट इससे कैंसिल आउट, और कोस स्क्वायर को न्यूमीटर में लाओ तो क्या आ गया sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे
और प्लस सी, तो इसका क्या आंसर होगा, दिस पार्ट प्लस 10x प्लस सी। तो चलो एक बार अपन इसका ऑप्शन मैच करते हैं, मतलब 10x माइनस x तो अपॉन में cos, इसको न्यूमेरेटर में ले आओ ना, sec x चला जाएगा, इसको न्यूमेरेटर में लागू किया गया माइनस x sec x अपॉन x x प्लस सी। तो देन इसका बेटा कौन सा ऑप्शन मैच करने वाला ना, सेकंड में तो प्लस है, नहीं माइनस आ रहा, थर्ड वाले, थर्ड इसमें, हां फोर्थ ऑप्शन मैच करेगा, 10x माइनस x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। हां ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, हां इसमें क्या कह रही है आपसे, इफ फंक्शन दे रखा है अपने को fx, इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है psi x, ये लेट करना अपने को बस। अब अपने को क्या कहना है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है गिवन है, तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं गिवन फंक्शन को, यानी कि इंटीग्रेशन क्या करना है अपने को, x टू द पावर 5, रेड पेन लो सर दिखेगा नहीं, इसको डबल रेड, अपन क्या करते हैं लिख लेते हैं ना इंटीग्रल को, इंटीग्रल अपने को दे रहा है x टू द पावर 5 f(x)3 dx, करते हैं इसको सेपरेट लिख देते हैं एक बार अपन, इक्वल टू साई एक्स, स्पेस कम है अपने पास, चलो करो। हां अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले पुट किया x क्यूब को t, x क्यूब में t, x क्यूब को t पुट कर लिया तो क्या हो जाएगा 3x² dx equals to dt, 3 को मैं नीचे भेज दूं तो क्या हो जाएगा ये x² dx equals to 1/3 dt। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसको चलो पुट कर देते हैं अपन यहां पर, तो अब देखो x टू द पावर क्या है 5 है, और x टू द पावर 5 को मैं ब्रेक कर सकता हूं x क्यूब into x square में, तो यहां से x square तो डेरिवेटिव में चला जाएगा है ना, डिनोमिनेटर इसके x क्यूब के, तो क्या मिल सकता है अपने को यहां से, ये मैंने लिख लिया ब्रेक कर x क्यूब into x square, तो जो x square है x square into dx, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर ये तो क्या बन गया dt 1/3 के साथ, और f के अंदर क्या आ जाएगा t, तो कुल मिला के आ गया ft, यहां पर x क्यूब की जगह आ जाएगा t, और ये बन गया dt upon 3, तो 3 को मैंने बाहर ले लिया। अब इसमें लगा दो आईलेट, अब हम क्या लगा लें इसमें, आईलेट लगा लेते हैं, तो आईलेट लगाते ही हो जाएगा, इसको लगा लेते, इसको ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लेते हैं क्योंकि सेकंड फंक्शन को अपन को इंटीग्रेशन दे रखा है कुछ, क्योंकि अपने को fx का इंटीग्रेशन psi x दे रखा है, तो लिखो, तो अब हम ले लेते हैं 1/3 ब्रैकेट, क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस माइनस 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 आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ t का, तो 1 हो गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और ft का इंटीग्रल अगेन, तो ft dt यस का होल dt, ब्रैकेट लगा दो बड़ा वाला, ये हो गया क्लोज। अब आगे चलते हैं बस, अब अपना क्या हो जाएगा अपना fx dx क्या देखा था अपने को साई x, तो ft dt क्या हो जाएगा साई t, तो अपन लिख सकते हैं बड़े प्यार से 1/3 t sin साई t, हां माइनस ये हो गया, ये तो प्लस ये माइनस है, माइनस माइनस इंटीग्रेशन, फिर से देखो वही इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, इसको अपन क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ साई टी, अब इसमें टी की वैल्यू पुट करनी है बस, आप बस क्योंकि आंसर टी की फॉर्मेट में है, तो क्या हो जाएगा अपना, तो टी पुट करोगे तो इधर तो लिखना है अपन को एक्स क्यूब, तो ये आ गया 1/3 टी की वैल्यू क्या एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, और इधर पुट करोगे तो अगेन एक्स क्यूब, तो सॉरी मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन आपको इसी फॉर्मेट में गिवन है, तो ये आ गया बेटा 1/3 x³ साई एक्स क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट, तो देन रिमेनिंग पार्ट इज x² साई ऑफ x³ इनटू dx। तो चलो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन मैच करने वाला, और देखो इसका x³ माइनस, हां थर्ड ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन में तो बनवाई थी सबके साथ कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। चलो सर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हां क्वेश्चन 18 में देखो क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट इज, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो देखो अपन एक काम करते हैं इसमें, हाँ ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इस e की पावर दिस पार्ट को 1 के साथ सेपरेट
डिवाइड कर दो और उसके साथ सॉरी सेपरेट मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1 बाय x प्लस x सेकंड को सेपरेट करोगे तो दिस पार्ट e की पावर x प्लस 1 अपॉन x तो जब भी दो सेपरेट इंटीग्रेशन हो तो क्या करो एक में आइसोलेट यूज करोगे तो सेकंड इंटीग्रेशन जनरली ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपन एक काम करते हैं ना इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसको तो लेट करो सेकंड फंक्शन और इसको कंसीडर करो फर्स्ट फंक्शन और चलो उस पे अपन यूज करते हैं आइलेट तो क्या लिखोगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और बेटा सेकंड का मतलब 1 का इंटीग्रेशन आ गया x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉरी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो क्या था x और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो e की पावर का e की पावर और पावर का करोगे तो x का तो 1 हो गया और 1 अपॉन x का माइनस के 1 y x स्क्वायर और लास्ट में तो क्या देखा प्लस ऑफ दिस पार्ट ठीक है तो अगर आप देखो ढंग से जब आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है तो ये दोनों क्या होंगे कैंसिल आउट तो देन इसका आंसर जाएगा x e की पावर x प्लस 1 अपॉन x तो देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड ऑप्शन चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक अपने वो इंटीग्रल दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है तो देखो सबसे पहले अपने को क्या दिख रहा है कि x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1 नीचे क्या है डिनोमिनेटर में x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1 तो एक काम करते हैं अपन नीचे से हाईएस्ट जो पावर है x टू द पावर 5 कॉमन ले लेते हैं ना हां ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन है ना ये जेईई मेंस में काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज ना ये काफी सारे क्वेश्चंस में आते हैं इस टाइप के तो क्या कर लिया हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली तो जैसे ही मैं हाईएस्ट पावर कॉमन लूंगा तो पावर कितनी है इसकी होल टू द पावर 3 है तो 3 5 जा 15 तो पावर बाहर आ जाएगी 15 तो x टू द पावर 15 आ जाएगी बाहर ऊपर जैसा है एज इट इज लिख देता हूं मैं 5 x टू द पावर 9 और यहां पे बचेगा अंदर आपका 1 प्लस x स्क्वायर प्लस -2 x टू द पावर -5 यस होल टू द पावर 3 dx ये आ गया अब इसको डिवाइड करते हैं अपन अब डिवाइड करते ही हो जाएगा 2 अपॉन x क्यूब प्लस 5 अपॉन x टू द पावर 6 अपॉन 1 प्लस इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ना 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 अब इससे आपको समझ आएगा क्या कि इसको इसका जो डेरिवेटिव है नीचे वाले का वो क्या आएगा 1 का 0 हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर का क्या आएगा -2 अपॉन x क्यूब जो कि यहां बैठा हुआ है माइनस साइन नहीं है एडजस्ट हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 5 है 1 अपॉन x की पावर 5 का क्या हो जाएगा -5 अपॉन x की पावर 6 माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा तो क्या करते हैं अपन ये जो नीचे आपको दिख रहा है इसको क्या करते हैं टी पुट कर देते हैं तो मैंने क्या किया पुट कर दिया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 को टी लेट तो ये हो जाएगा 1 का 0 हो गया तो ये हो जाएगा -2 अपॉन x क्यूब माइनस 5 अपॉन x टू द पावर 6 dx इक्वल्स टू dt माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा डेरिवेटिव बन गया ऊपर वाला डेरिवेटिव बन जाएगा तो क्या हो जाएगा लिख दूं मैं डायरेक्ट इसको माइनस ऑफ dt अपॉन टी क्यूब और माइनस 1 अपॉन टी क्यूब माइनस एन तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस का 2 आएगा तो नीचे आके प्लस 2 हो गया अपॉन में माइनस 2 और आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो कुल मिला के आंसर आ गया 1 अपॉन 2t स्क्वायर और टी हमने क्या रखा था ये पूरा कंप्लीट चलो लिख लेते हैं एक बार टी स्क्वायर प्लस सी तो अपना आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आंसर आ गया अपना 1/2 इनटू 1 अपॉन में क्या आएगा इस कंप्लीट का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से 1 प्लस एज इट इज रखना बस चलो इसके बाद देखते हैं इसको एलसीएम ले लेना एलसीएम लेके बाद एलसीएम होगी तो क्या होगा x की पावर 10 आ जाएगा ऊपर में हां तो उसका बेटा x की पावर 10 अपॉन में थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा ठीक है ना यस सर x क्यूब प्लस 1 की होल स्क्वायर का होल स्क्वायर उसका थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है देखो थर्ड ऑप्शन यही आ रहा है ठीक है चलो उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्वेश्चन 20 में क्या है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू गिवन है आपको तो देन क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ a और b कौन-कौन से हो सकते हैं ठीक है ना ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है देखो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन को देखो
पहले दोनों पे क्या करते हैं सेपरेट रूट अप्लाई करते हैं, तो ये आ गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ, थोड़ा देखना केयरफुली, ए क्यूब माइनस, ये जो रूट एक्स है किसका डिफरेंशिएशन है, ये एक्स की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन। तो काम करो बेटा, इस एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, हाँ है ना। अब जैसे ही आप इसको टीलेट करोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, डेरिवेटिव बैठा हुआ, इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो देखो अपन क्या करते हैं कि लेट ऑफ एक्स की पावर 3/2 को टीलेट करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3/2 रूट एक्स, क्योंकि माइनस में dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2/3 dt। तो चलो इसकी वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या आ गया, 2/3 तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट ऑफ ए क्यूब माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करो, ए क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं अपन, ए टू दी पावर 3/2, हाँ इसको लिखो ए की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो इससे देखो ये बन गया ना, अगर इसको आप ए लेट करते तो कौन सा फॉर्मूला, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, दिस इज साइन इनवर्स टी अपॉन ए, तो ये आ गया इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स टी अपॉन टी अपॉन ए का मीनिंग दिस पार्ट, और टी की वैल्यू क्या डायरेक्ट पुट करो, टी की वैल्यू पुट करोगे एक्स की पावर 3/2, क्या आ गया एक्स की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 3/2, ठीक है ना। ये आने के बाद इसमें a तो क्या आ गया 2/3, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, और b आ गया a की पावर 3/2, जिसका सेकंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है। चलो अब अपने इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बेटा, चलो थैंक यू, थैंक यू सो मच।